तो सारे बेयर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं और स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ एशियन पेंट पे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं एशियन पेंट का स्पॉट लेवल की बात करूं तो अभी करीबन 3110 का स्टॉक स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन इसमें वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, तो मैं मानता हूं अगले एक हफ्ते दो से तीन दिनों के अंदर ही ये 3200 तक जा सकता है। इसलिए एशियन पेंट में खरीदारी करने की सलाह है। फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है या फिर एशियन पेंट का 3080 का इन द मनी कॉल, इन द मनी कॉल भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि अभी 57 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 47 का, यानी सिर्फ 10 रुपए का रिस्क है, और मेरा पहला टारगेट 80 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट 95 रुपीज का रहेगा, साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट अभी अगर हम देखते हैं तो करीबन 1565 के आसपास स्पॉट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बैरियर सपोर्ट जैसा काम करेगा और वो रहेगा 1540-1545। तो मेरा स्टॉप लॉस 1545 का रहेगा, मेरा पहला लक्ष्य 1600 रुपए का रहेगा। यहाँ से करीबन 40 रुपए यानी 3% की मूव इस स्टॉक में आते हुए हम देख पाएंगे, तो एस्कॉर्ट में खरीदारी की जा सकती है। मेरा पहला टारगेट स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ 1600 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1615 रुपए का रहेगा, तो एस्कॉर्ट में खरीदारी करने की मेरी सलाह है।